हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बुक कीपिंग के बारे में बताया था और आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने उसमें डिटेल में सब कुछ समझा दिया था कि बुक कीपिंग क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट कब क्रिएट किया जाता है। वही क्लासेस को थोड़ा सा और डिटेल में बेहतर बताने के लिए आज का ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। इसमें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकल पाता है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लियर कर लेते हैं। उसी फॉर्मेट में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट को बता देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट होता कैसे है, क्योंकि इसका मैंने एक बार और क्लास लिया था, कई सारे लोगों ने मिस भी कर दिया था, तो इस बार मैं अच्छे तरीके से इसको बना रहा हूं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेस के बेस पर ही हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या होता है, जैसा कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मेट आपको यहां पे दिख रहा होगा। इस फॉर्मेट में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट निकालना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में निकालने के लिए सबसे पहले, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को निकालने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है उसका अमाउंट यहां पे लिख दिया जाएगा। परचेज, आपने क्या क्या परचेज किया, किन किन पार्टी से परचेज किया, डजंट मैटर, बट आपने क्या क्या स्टॉक परचेज किया, कितनी मात्रा में, कितने रुपए में परचेज किया, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपको परचेज कितना किया वो लिख देना है। डेबिट साइड में आपको परचेज रिटर्न भी लिखना है कि अगर जितना भी आपने परचेज किया, सपोज दैट 10 पीस आपने कोई कंप्यूटर आपने परचेज किया, 10 पीस कंप्यूटर को आपने परचेज का अमाउंट दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए 10 पीस कंप्यूटर आपने 10,000 से हिसाब से खरीदा तो 1,00,000 रुपए हो गए, उसमें से 2 पीस आपके रिटर्न हो गए, तो रिटर्न हो जाएंगे जब परचेज आप करेंगे। तो यहाँ पे परचेज हमेशा डेबिट होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। और जब आप रिटर्न करेंगे तो परचेज किया हुआ अमाउंट जो है आप उसको पुनः क्या करोगे, वापस कर दोगे, तो डेबिट वाला अमाउंट फिर से क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, यानी कि इस बार माइनस में इसका अमाउंट लिख दिया जाएगा। ऐसा नहीं क्रेडिट साइड में लिख देंगे आप। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करना है, कैलकुलेशन करना है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा जाता है, परचेज डेबिट साइड में लिखा जाता है, और परचेज रिटर्न जो होता है, जो हम अपने सप्लायर से माल खरीद कर उस सप्लायर किन्हीं कारणों से या फिर खराबी के कारण या फिर कुछ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल कोई भी फॉल्ट होती है, अगर हमारा सामान खराब हो जाता है तो हम अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं। तो जो भी माल वापस किया, जितने में खरीदा उसी के रेट से आपको यहाँ पे वो अमाउंट लिख देना है। क्रेडिट साइड में बात आती है तो क्रेडिट साइड में सिर्फ सेल का लिखा जाता है, सेल अकाउंट्स में कितने आपने कितना सेल किया, किस पार्टी को कितना सेल किया वो अमाउंट लिख दीजिए। सेल रिटर्न, आपके कस्टमर ने आपको कितना माल वापस कर दिया, जो बेचा था आपने अपने कस्टमर को, वो अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में आपको कितना माल, अभी जो भी आपने मान लीजिए 10 पीस आपने खरीदा, 2 पीस आपने वापस कर दिया, हालांकि ये सारे जितने भी प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा अभी। और जब ये सारी चीजें डेबिट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न जब आप यहाँ पे सारा मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट का कितना अमाउंट है वो लिख देंगे, सेल्स रिटर्न कितना आपके कस्टमर ने आपको किया उसका अमाउंट लिख दीजिए, कितना आपको माल बिना बिके, जो भी माल बिना बिके रह जाता है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक रहता है साल के अंत तक, तो वो क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका आप वैल्यूएशन निकाल लेंगे और यहाँ पे आप उसको पुट कर देंगे। जो भी आप यहाँ पे पुट करेंगे, इसको कैसे प्लस और कैसे माइनस किया जाता है अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा और यहाँ पर ग्रॉस लॉस निकल जाता है, यहाँ पे टोटल होता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी अगर आप स्टेटमेंट निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी निकालते हैं, तो टोटल जो होता है वो ऑलवेज इक्वल ही होता है। टोटल मीन्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये आपका एक गोल्डन फॉर्मूला होता है किसी भी अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग का गोल्डन फॉर्मूला रट लीजिए कि डेबिट इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट ही होना है। इसके अलावा अगर डेबिट या फिर क्रेडिट में कोई भी डिफरेंसेस आता है तो आपका ट्रांजेक्शन गलत माना जाएगा। बढ़ते हैं, जब आपका ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आपका बन जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम आते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस की बारी तब आती है जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड इसमें भी होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया यहाँ पे, दो कलर में डेबिट, एक कलर में डेबिट साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड के तरफ ग्रॉस, जो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जितना भी इनकम और अदर इनकम जितना भी होता है उस अदर इनकम को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, क्योंकि जो भी इनकम्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला कहता है कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर
क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होने चाहिए और जितने भी आपके इनकम्स होते हैं वो आपके क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट अगर होगा तो ये प्रॉफिट हमारा इनकम होगा, तो यहाँ ये अमाउंट सबसे पहले लिख दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय। और यहाँ पे कमीशन, कमीशन की बात आती है तो कमीशन भी एक प्रकार का हमारा इनकम होता है, और भी अदर कोई इनकम हो तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। दूसरी बात है कि डेबिट साइड में क्या होता है, तो अभी अभी मैंने बताया कि जितने भी खर्चे होते हैं, देखिए अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को आप यहां से उठा के यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और अगर आपको लॉस होता है तो लॉस आपके लिए खर्चा होगा, तो ये ग्रॉस लॉस जो होगा ये डेबिट साइड में होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और यहाँ पे ग्रॉस लॉस लिखा जाएगा। और इसके साथ जो भी अदर एक्सपेंसेस आपके जितने भी खर्चे होंगे, चाहे टैक्स से संबंधित होंगे, चाहे आपका कुछ एक्सपेंस होगा, वो सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद जो भी प्लस माइनस किया जाना है वो प्लस माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 20 पीस मॉनिटर एट द रेट 4000, 4000 के हिसाब से हम साइबर कंप्यूटर से 20 पीस मॉनिटर खरीद रहे हैं। सेल टू करण इलेक्ट्रॉनिक्स 15 पीस मॉनिटर एट द रेट 5000, 5000 के हिसाब से 15 पीस, जो हमने 20 पीस मॉनिटर खरीदा वो 15 पीस हम सेल कर रहे हैं करण इलेक्ट्रॉनिक को। परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 10 पीस कीबोर्ड एट द रेट 1000, कंपनी रिटर्न 2 पीस मॉनिटर टू द साइबर कंप्यूटर इन केस ऑफ डैमेज, किन्हीं खराबी वश जो हमने क्या किया, कंपनी को 2 पीस रिटर्न कर दिया। सेल टू करंट इलेक्ट्रॉनिक 10 पीस कीबोर्ड एट द रेट 1500, कैश पेड टू साइबर कंप्यूटर ₹2500, कंपनी ओपेंड एन अकाउंट इन PNB विथ डिपॉजिटिंग ऑफ ₹10000, रिसीव्ड ₹1000 कमीशन इन कैश, कंपनी पेड सैलरी टू स्टाफ ₹5000 इन कैश, कैश रिसीव्ड ₹20000 फ्रॉम करंट इलेक्ट्रॉनिक्स, पेड इलेक्ट्रॉनिक बिल ₹250 इन कैश। तो ये कुछ 11 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बेस पर हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एक्सेल शीट पे कि ये कैसे आपको ये निकालना है, और निकालने के बाद कैसे आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखिए सबसे पहले हम अपने एक्सेल पे आ गए हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। अपने एक्सेल पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा पर्टिकुलर साइड में यहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट निकालना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट साइड दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 20 पीस मॉनिटर एट द रेट 4000। तो यहां पे आपका जो ओपनिंग स्टॉक है, सबसे पहली बात, ओपनिंग स्टॉक आपका कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ₹0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, जीरो कर दिया, हमारा ओपनिंग स्टॉक अभी कुछ नहीं है, और इसलिए यहाँ पे क्या है कि जीरो हो गया। और आपको परचेज क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि आप जो परचेज कर रहे हैं वो परचेज क्या हो रहा है, तो अभी हमने जो परचेज किया है वो परचेज किया है परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर। ऐसा करते हैं इसको जो है इस वैल्यू को थोड़ा सा माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये सारे जितने भी हैं, ये मर्ज है थोड़ा सा सेल, इस मर्ज को हटा देते हैं, अब इसमें थोड़ा सा बढ़िया हो गया। इसमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक हमारा ₹0 हो गया, आपको मैं बोल्ड करते हुए भी दिखाता हूं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देता हूं ताकि क्लियर रहे कि कौन से फील्ड का कौन सा अमाउंट है। तो यहाँ पे जितने भी आपके हैं ओपनिंग स्टॉक, ₹0 हो गए, इसको मैं करेंसी बेस्ड कर देता हूं, करेंसी बेस्ड करने से या फिर नंबर फॉर्मेट में कर देता हूं, नंबर फॉर्मेट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ₹0 हो गए ओपनिंग स्टॉक के बाद, अब हमें क्या करना है, परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं तो क्या परचेज कर रहे हैं, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं परचेज, सॉरी PURCHAS, परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, तो 20 पीस मॉनिटर परचेज कर रहे हैं, 20 पीस आप मॉनिटर परचेज कर रहे हैं कितने के अकॉर्डिंग, तो कितने के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, तो 20 पीस इंटू 4000, ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको बॉर्डर लगा लीजिए और 20 इंटू एक्सेल में जो है 20 इंटू 4000 कर देंगे तो अपने आप आपका 80000 यहाँ पे आ गया अमाउंट, ये ₹80000 आपको 20 पीस मॉनिटर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है सेल टू करंट इलेक्ट्रॉनिक 15 पीस मॉनिटर एट द रेट 5000। अब जो ये 20 पीस हमने खरीदा है ये हम सेल कर रहे हैं, तो कहाँ सेल कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि इसको भी हमें मर्ज हटाना होगा और बीच में लिखना होगा, इसको तो साइड में ही लिखना है,
या फिर बीच में ही कर देते हैं सेंट्रलाइज्ड, और इन सबको भी, ये तो सही है अपनी जगह पे। बस हमने सेल क्या किया, इन सबको हटा दीजिए यहाँ से, कोई काम है नहीं इनका। और सेल क्या किया हमने, हमने सेल किया है 15 पीस मॉनिटर हमने सेल कर दिया। और सेल कितने के हिसाब से किया, यहाँ पे देखिए हमने 20 पीस मॉनिटर परचेज किया है तो 4000 के हिसाब से, लेकिन हमने यहाँ पे 20 पीस सेल किया है 5000 के हिसाब से। 5000 से हिसाब से हमने क्या किया, सेल कर दिया। इसको भी हमने एक बॉर्डर एरिया कर दिया और इसको इक्वल टू का साइन लगा के 20 × 5000 ये हमने कर दिया अमाउंट इक्वल टू इंटर, और ये हो गया हमारा सॉरी 1 लाख, 1 लाख रुपीज यहाँ पे हो गए। और 1 लाख रुपीज यहाँ पे कुछ 25 कितने के हिसाब से सॉरी 15 के हिसाब से 15 पीस हमने सेल किया है, यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, 15 पीस मॉनिटर हमने सेल किया। और इंटर जैसे ही करेंगे, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 15 पीस मॉनिटर 5000 के हिसाब से 75000 ही हो गया। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 10 पीस कीबोर्ड, फिर से मैं परचेज कर रहा हूँ, तो फिर से परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब इस बार क्या परचेज किया हमने, 10 पीस कीबोर्ड, इस बार हमने परचेज किया है 10 पीस कीबोर्ड, 10 पीस कीबोर्ड हो गया। और 10 पीस कीबोर्ड जो है 1000 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हम 1000 के अकॉर्डिंग हमने इसको परचेजिंग की है, तो 1000 हो गया। दूसरी चीज, अब इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए तो इक्वल टू का साइन लगाइए, एक्सेल में ऐसे ही, एक्सेल में जब भी आप इक्वल लगाएंगे तभी वो आपका कैलकुलेशन होगा। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे 10 पीस का हमने किया है 1000 के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका 10000 हो गया, ये आपका परचेज का हो गया। दूसरा आपने अगला क्वेश्चन क्या किया, अगला क्वेश्चन है कंपनी रिटर्न 2 पीस मॉनिटर। अब हम जो यहाँ पे 20 पीस खरीदे थे, 20 पीस में से हमने 15 पीस वापस कर दिया, सॉरी सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद बचा कितना हमारे पास, 5 पीस अभी बचे हुए हैं। 5 पीस में हमने कंपनी को 2 पीस रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया भाई, क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ डैमेज, मतलब कुछ खराब के कारण, कुछ खराबी हो गई जिसके कारण हमने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो वापस करने के लिए परचेज रिटर्न किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? वेरी गुड, यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड में यहाँ पे एक रो तो कोई खाली नहीं है, तो यहाँ पे एक रो राइट क्लिक करके, या फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक रो मुझे मिल जाएगा। और इसमें मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूँ, तो लिख दूंगा मैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या किया, 2 पीस मॉनिटर, 2 पीस मॉनिटर हमने क्या किया, रिटर्न किया। तो कितने के हिसाब से खरीदा था भाई साहब, हमने 20 पीस हमने खरीदा था 4000 के हिसाब से, रिटर्न भी करेंगे 4000 के हिसाब से ही। तो यहाँ पे 4000 हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं इनटू 4000, ये हमने क्या किया दिया यहाँ पे, इक्वल टू कर दिया। अब ये जो इक्वल टू होगा आपका, ये माइनस होना है। अब कैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कैसे नहीं, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ। एक रो मैं और ले लेता हूँ, इसका यूज आएगा थोड़ा सा, और यहाँ से बॉर्डर उसके एरिया में हटा देता हूँ, या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको मर्ज कर देता हूँ मैं, ये हो गया। अगली चीज, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सेल टू करेंट इलेक्ट्रॉनिक 10 पीस कीबोर्ड एट द रेट 1500, यहाँ पे 5000, जो हमने ये कीबोर्ड परचेज किया है 1000 में, अब इसी कीबोर्ड को हमें क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए फिर से सेल कर दीजिए, सेल क्या सेल कर रहे हैं भाई, तो 10 पीस कीबोर्ड सेल कर दिया हमने, जितना खरीदा उतना सेल कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने 10 पीस खरीदा है वो 1000 के हिसाब से खरीदा था, अब इसको हम सेल कर रहे हैं 1500 के हिसाब से, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा हमारा इक्वल टू करके 10 पीस × 1500 कितना हो गया, 15000 रुपये हमारे ये हो गए। अब इसमें हमको क्या करना है, और अगला क्वेश्चन क्या है, कैश पेड टू साइबर कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि अगर एक बार आपने किसी भी पार्टी से अगर आपने कोई भी सामान खरीदा तो उसकी पेमेंट आप तो लाइबिलिटी होती है आपकी, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट को निकालते समय, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करना होता है कि आपने किस पार्टी को कितना दिया कितना नहीं। बस यहाँ पे सामान का होता है कि आपने कितने किससे कितना सामान आपने सेल किया या फिर परचेस किया, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर ये लगा देने से ये थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंपनी ओपन एन अकाउंट
इन पीएनबी बैंक विद डिपॉजिटिंग ऑफ ₹10,000, तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये सेल परचेस से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इसको इसकी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री नहीं होनी है। आगे बढ़ते हैं कि रिसीव्ड कमीशन ₹1,000 कमीशन है, तो कमीशन भी इस सेक्शन में नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इसके अलावा और कोई नहीं। तो यहाँ पे कमीशन इनकम हो रहा है ये जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिस्सा है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट में ये कुछ नहीं करना। आगे बढ़ेंगे, कंपनी पेड सैलरी टू स्टाफ, ये भी हमारा एक खर्चा है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम करंट इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ लेना देना नहीं है इसका क्योंकि हम किसी पार्टी से रिसीव कर रहे हैं पैसा या फिर पार्टी को पैसा दे रहे हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। पेड इलेक्ट्रिक बिल ₹250, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक तो जीरो था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारे पास बचा कितना है, बचा कितना है तो यहाँ पे देखते हैं बचा कितना है। हमने 20 पीस मॉनिटर खरीदा था और 15 पीस बेच दिया, बेचने के बाद 2 पीस हमने यहाँ पे रिटर्न भी किया है, इस वाले अकाउंट में 2 पीस हमने रिटर्न भी किया। तो रिटर्न करने के बाद हमने 2 पीस रिटर्न कर दिया, बचा कितना, 3 पीस मॉनिटर बचा हुआ है, ठीक है। और क्या क्या बचा हुआ है, 10 पीस कीबोर्ड खरीदे थे और 10 पीस कीबोर्ड बेच भी दिए, यानी कि कीबोर्ड का हमारा जो क्लास था वो खत्म। मॉनिटर सिर्फ बचा हुआ है, मॉनिटर कितना बचा हुआ है तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कितना बचा हुआ है, 3 पीस मॉनिटर, 3 पीस मॉनिटर आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो 3 पीस मॉनिटर का दाम कितना हो गया, इक्वल टू करिए, और इक्वल टू करने के बाद आपको जितने से आपने खरीदा था, जितने अमाउंट से 4000 से खरीदा था, तो 4000 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ₹12,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक अभी बचा हुआ है। इन सबको आपको ऐड करना है, ये जो भी क्रेडिट वाला अमाउंट है, इन सब क्रेडिट वाले अमाउंट को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका जो टोटल आएगा वो यहाँ टोटल आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए, ग्रॉस लॉस में नहीं आना चाहिए, अभी टोटल आपका यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वल टू करेंगे आप, इक्वल टू और सम फंक्शन लगाएंगे। कौन सा फंक्शन, सम फंक्शन, सम फंक्शन जोड़ने का काम करता है, जिसको जोड़ना हो यहाँ से माउस को आप ड्रैग करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1,02,000, 1,02,000 आपका टोटल यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट साइड वाला अमाउंट आपका आ गया 1,02,000। अब इस 1,02,000 को मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूं। अब 1,02,000 क्रेडिट साइड था, तो 1,02,000 हमारा डेबिट साइड भी होना चाहिए, लेकिन अभी इन सबको अगर जोड़ते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज फिर से हमने किया और परचेज रिटर्न किया, तो देखते हैं कि क्या ये हमारा इक्वल टू सम, और सम के बाद इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो 98,000 सिर्फ आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है सिर्फ 98,000 आ रही है, यानी कि टोटल नहीं आ रहा। अच्छा एक बात और, 98,000 में 98,000 क्यों आ रहा है, ये 8 पीस तो रिटर्न किया गया है ना, तो 8 पीस ये जोड़ना नहीं है, तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा आपको करना क्या, टैली अगर होता तो टैली में आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं होता है। इसकी भी एंट्री मैं अभी करके दिखा दूंगा आपको कि टैली में इसकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे आपको 8,000 है, 80,000 ये तो आपका परचेस कर रहे हैं आप, ये भी परचेस कर रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये माइनस में होना चाहिए। तो ये माइनस में होगा तो आगे आप इसके क्या लगा दीजिए, आप माइनस वैल्यू लगा सकते हैं, माइनस वैल्यू लगा दीजिए, तो ये माइनस में आई थिंक ले लेना चाहिए, इसको माइनस में वैल्यू ले लिया। जैसे ये माइनस में ले लेगा और माइनस में लेने के बाद अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू, और यहाँ पे सम फंक्शन लगाइए, और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू को क्या करना है, एंटर कर देना है। 82,000 क्यों, क्योंकि 80,000 ये, 10,000 ये, 90,000, और 90,000 में से 8,000 जो है ये 2 पीस रिटर्न किया गया है, अपने आप आपका यहाँ पे 82,000 आ गया। अब इस 82,000 में 82,000 तो आ गया, लेकिन इस 82,000 को इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ पे ना लिख के कंट्रोल सी के साथ यहाँ पे कर दीजिए इसको, इसकी जो वैल्यू थी आप इसकी वैल्यूज को जो है यहाँ पे जोड़ दीजिए, इक्वल टू सम, और इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे जोड़ के एंटर कर दीजिए, 82,000 हुआ। लेकिन इस 82,000 में हमको क्या चाहिए कि 1,02,000 जब इधर है तो 1,02,000 हमको इधर भी चाहिए। इसका मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखते हैं, ग्रॉस लॉस इधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन इस 82,000 में अभी कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 82,000 में यानी कि 1,02,000 में आपको कितना जोड़ दिया जाए कि 82 मतलब 1,02,000 में आप 82,000
हजार को जब आप माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा, यानी कि ये जो 20,000 है जब तक हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं 20,000, अब इस 20,000 को 82,000 में ऐड करना होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इक्वल टू SUM सम फंक्शन लगाइए और यहाँ पे ये वैल्यू और कॉमा ये वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है जोड़ लेना है, एंटर कर दीजिए। देखिए 102,000 आपका इधर भी आ गया और 102,000 आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये दोनों साइड क्या हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब हमें दोनों साइड को इक्वल करने के लिए डेबिट साइड में अभी 20,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। ऐड करने का मतलब हमें हमारा जो इनकम हो रहा है वो अभी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो पोर्शन है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल के। ग्रॉस लॉस तो आपका 0 रुपए होगा क्योंकि यहाँ पे आपका 102,000 है। अगर यहाँ पे होता कि हमने, हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता या फिर हमारे पास अभी बहुत सारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता, हम खाली 20 पीस में से खाली 2 पीस बेचे हैं, बाकी क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज्यादा होता, तो ये हमारा ग्रॉस लॉस आता। इसलिए ग्रॉस लॉस आता क्योंकि हमने जितना खरीदा उतना तो हमने बेच पाए नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है ग्रॉस लॉस में वो अमाउंट चला जाता। अब बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की। आपको ध्यान में ये रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या फिर ग्रॉस लॉस कितना है। यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा सा आपको ध्यान में देना होगा कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, बिल्कुल 0 रुपए है, कुछ नहीं है, और ग्रॉस प्रॉफिट में आपका 20,000 रुपए है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लिख लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 20,000 रुपए आपके क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इस अमाउंट को आपको यहाँ पे लिख लेना है 20,000। इसके साथ साथ और कमीशन कितना मिल रहा है, एक कमीशन भी आपको मिल रहा है इसमें 1,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए का, सॉरी 10,000 हो गया, 1,000 रुपए का आपका कमीशन हो गया। इस कमीशन की वैल्यू को, नेट प्रॉफिट नहीं होता इधर, इधर नेट लॉस, इधर कुछ नहीं होगा, रहने दीजिए, अभी जो भी चीजें आएंगी सामने हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और ये टोटल कमीशन हो गया, इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा है देखने को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी अमाउंट्स को ऐड कर लेना है। ऐड करने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि यहाँ से आपको, चलिए एक तो तरीका बताया हमने सम फंक्शन का यूज करके कि इक्वल टू आप लगाइए, सम फंक्शन लिखिए, और सम फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट में आपने इसको ऐसे ड्रैग कर देना है, ये आपका हो जाएगा। दूसरा इससे भी आसान तरीका बताते हैं जो कि सम से ही रिलेटेड है, आपको यहाँ पे क्लिक करते हुए आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको वैल्यू ऐड करनी है, जहाँ पे जैसे कि इन सभी का टोटल हमको इसी सबसे नीचे ही ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने, मतलब माउस को ड्रैग करके आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे देखिए 21,000 रुपए आपके यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएंगे। सम फंक्शन इसमें भी लगाया है, देखिए वही फंक्शन है इसमें। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो सारा कैलकुलेट यहाँ पे करता जाएगा। अगली चीज, यहाँ पे हमको लिखना है ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस तो भैया हमारा 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल एक्सपेंसेस लिखना है, तो ऑल एक्सपेंसेस में जो हमारा पहला एक्सपेंस है वो पहला एक्सपेंस क्या है, हमारा पहला एक्सपेंस है कि हम इसको नेट सैलरी दे रहे हैं, हम कितना अपनी कंपनी में स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी एक्सपेंस कितना है हमारा, सैलरी एक्सपेंस हमारा है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए ये हो गया। दूसरा एक्सपेंस, एक और एक्सपेंस है, तो एक और एक्सपेंस लिख लेते हैं। कौन सा एक्सपेंस है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल कितना दे रहे हैं हम, 250 रुपए। 250 रुपए इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया। तो इस 250 रुपए और इतने को जोड़ने के बाद कितना होता है, कितना होता है, तो यहाँ पे एक रो को ऐड कर लिया जाए, इंसर्ट इसलिए ऐड किया जाए क्योंकि इनका टोटल कर लिया जाए, यहाँ पे इनका क्या कर लिया जाए, टोटल कर लिया जाए, तो टोटल कर लिया जाए, ऑटो सम कर दिया जा रहा है। यहाँ पर 5,250 टोटल आपके क्या हो गए, टोटल जो है आपका ये एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। और इनका अगर टोटल करना हो तो इनका भी टोटल आप यहाँ पे ऑटो सम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ध्यान रखिए कि ये जो अमाउंट है फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ से उठा के टोटल आपने यहाँ पे इसको ऐड कर रखा है, इसलिए इसको छोड़ ही दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपका एक्सपेंस हो गया। तो अभी आपका जो टोटल अमाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड में वही लिखा जाता है जो आपका इनकम होता है, इनकम आपका 21,000 है, खर्चा हुआ आपका 5,250। इसका मतलब अभी क्या हुआ कि आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं है, अब नेट प्रॉफिट निकलेगा। अभी तक तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें खर्चे भी शामिल थे 20,000 में, लेकिन इस 20,000 में आपने जब इस एक्सपेंस को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद फिर क्या निकलेगा, आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ पे क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में हमने क्या किया है, इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए यहाँ पे जो अमाउंट है उसमें से इस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वल टू का साइन लगाइए और यहाँ पे इस अमाउंट को लिखने के बाद माइनस लगा दीजिए,
माइनस और माइनस के बाद इस वाली वैल्यू को क्लिक करके इसको क्या कर दिए 15,750। अब इस 15,750 और 5,250 को जब भी मैंने एक बात और बताया था कि डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज इक्वल तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू, ये तो सब इन सबका जोड़ तो आपका ये हो गया और इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा। तो इक्वल टू करके या फिर बिना इक्वल टू किए भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो सम सिलेक्ट करके ऑटो सम कर दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आ गया था इसलिए इनकी वैल्यू जो है सही होगा कि आप सम फंक्शन लगा के यहीं पे इनको क्या कर लीजिए, ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग हो गया, एंटर कर दीजिए, 21,000 21,000। ये भी दोनों अमाउंट क्या हो गया, ये अमाउंट और वो डेबिट साइड वाला अमाउंट और क्रेडिट साइड वाला अमाउंट, दोनों अमाउंट आपकी देखिए इक्वल हो गए। यानी कि हमारा जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ वो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 15,750 रुपए आपके नेट प्रॉफिट हुए, क्योंकि आपके ग्रॉस प्रॉफिट जो 20,000 रुपए था, 20,000 के बाद कुछ कमीशन मिला आपको, इनकम मिला, वो दोनों अमाउंट तो इधर आ गया है, आपका इनकम हो गया, लेकिन इसी इनकम में हमारे कुछ खर्चे भी शामिल थे, उन खर्चों को आपको माइनस करना ही होता है। तो 21,000 रुपए में से आपका टोटल इनकम हुआ, ग्रॉस इनकम हुआ, लेकिन इस ग्रॉस इनकम में से आपका जो 15,750 रुपए हुए ये अमाउंट जो हुआ, ये अमाउंट आपका क्या होता है, ये अमाउंट आपका होगा प्रॉफिट का अमाउंट, ये प्रॉफिट का अमाउंट होगा आपका। इसको थोड़ा सा और दूसरे कलर से हाइलाइटेड किया जाए, स्टैंडर्ड कलर नहीं मिल रहा है इसमें, थोड़ा सा ये ग्रीन कलर। तो इसमें आपका ये जो अमाउंट होगा, यही अमाउंट क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। आपको मैंने मैनुअली बता दिया कि इस साइड में जब भी ट्रेडिंग अकाउंट निकाला जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सिर्फ परचेस की एंट्री लिखी जाती है, सिर्फ परचेस के आइटम को जितना भी हमने परचेस किया सिर्फ उस आइटम को लिखिए, ओपनिंग स्टॉक लिखिए, जितना आपने खरीदा हुआ माल वापस किया है वो अमाउंट लिख दीजिए। लेकिन क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है कि सेल कितना किया, सेल रिटर्न कितना किया, या फिर हमारा चूंकि यहाँ पे कोई सेल रिटर्न नहीं हुआ, हमारे कस्टमर ने कोई सामान हमको वापस नहीं दिया इसलिए हमने नहीं लिखा, बाकी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ स्टॉक है वो हमको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इतना मेंशन करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकल के सामने आएगा। याद रखिए कि दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का वैल्यू जो होना चाहिए वो आपका हमेशा बराबर होना चाहिए। जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट निकल जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, और इसमें डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स को लिखने के बाद आपको इस प्रॉफिट में से जितना भी टोटल खर्चा हुआ है उस खर्चे को माइनस करते हुए आपका ये जो टोटल नेट प्रॉफिट होता है ये 15,750 रुपए आपके ये नेट प्रॉफिट होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बैलेंस शीट के साथ। बैलेंस शीट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी पीएल अकाउंट कैसे निकालते हैं इनका क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।